चलिए आज हम आपको बताते हैं हाइपरलिंक। नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था चार्ट तक, आज इसके आगे हम बताते हैं हाइपरलिंक। ये लिंक रिबन ग्रुप्स और टेक्स्ट रिबन ग्रुप, दो ग्रुप हमारे बचे हुए हैं जिसमें से हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक के द्वारा क्या होता है? हाइपरलिंक के द्वारा, जैसे हमने आपको एमएस वर्ड में बताया था कि किसी भी फाइल का अगर लिंक बनाना हो तो हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं। जो फाइल आपने बना के सेव किया है, अगर आप उनका लिंक बनाना चाहें तो हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे और जिस भी फाइल का आपको लिंक बनाना हो उस पर हम डबल क्लिक कर देंगे। जैसे हमारा ये लिखा हुआ डाटा DCA, हमने इस पर क्या किया, क्लिक करके ओके कर दिया। अब इस फाइल का देखिए ये लिंक बन गया। अगर आपको इस लिंक को ओपन करना है तब क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक कर देंगे इस पर। क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक कर देंगे, ये हमारा ओपन हो जाएगा। और फिर ये क्या करेंगे, पूछ रहे डू यू वॉन्ट टू ओपन, यस हम कर देंगे। यहां पे यस कर देंगे तो ये फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। ये देखिए फाइल हमारी ओपन हो गई। ये देखिए डीसीए डाटा नाम से फाइल था, ये डीसीए डाटा नाम से फाइल हमारी ओपन हो गई, हमने इसको क्लोज कर दिया। ये हो गया आपका लिंक, यानी हाइपर लिंक हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। अगर आप यहां पे कुछ लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स पे हम पहले सबसे पहले क्लिक करेंगे, उसके बाद जहां पे भी टेक्स्ट बॉक्स बनाना हो वहां पे हम इससे क्लिक करने बाद यहां से हम बना सकते हैं। ये देखिए स्लैश करेंगे कर्सर को लेके और यह हमारा टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अब यहां पे अगर कुछ आप लिखना चाहते तो हम लिख सकते हैं। ये देखिए हमारा टेक्स्ट बॉक्स बन गया, कर्सर पर हम टिक करेंगे और यहां पे जो भी लिखना हो आप यहां पे लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया SBIT कंप्यूटर सेंटर सलून, ये देखिए लिख गया। बाहर क्लिक करना हो बाहर क्लिक कर दिए, हमारा टेक्स्ट बॉक्स बन गया। तो यहां पे जैसे हमने एमएस वर्ड में टेक्स्ट बॉक्स बना के वहां पे कुछ राइट कर सकते थे, सेम वैसे यहां भी हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका हेडर एंड फुटर। अगर आप अपने पेज में हेडर या फुटर लगाना चाहते हैं तो हेडर पे और फुटर पर टिक करेंगे। ये देखिए पेज के ऊपर हमारा क्या लग गया, हेडर लग गया, और पेज के नीचे हम आएंगे तो यहाँ फुटर हमारा लग गया। पेज के ऊपर हमारा क्या लग गया, हेडर लग गया। तो हेडर फुटर का यूज हम कहां पर करते हैं, अगर पेज के ऊपर या पेज के नीचे अगर हमें कुछ लिखना होता तो हेडर और फुटर का यूज करते हैं। देखिए पेज के नंबर, ये हमारा देखिए फुटर लग गया है और पेज के ऊपर हमारा क्या लग गया, हेडर लग गया। अगर इसमें कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, हेडर पर टिक कर देंगे, क्या लिखना चाहते हैं, किस प्रकार का डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, टाइटल लिख सकते हैं, या अगर कोई भी चीज आपको यहाँ पर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। जैसे आपका पेज का नाम आपको देना है तो पेज का नाम भी दे सकते हैं। जैसे हमने बना दिया डाटा DCA डाटा, ये देखिए ये हमारा हेडर में लग गया। अब आगे नेक्स्ट आता है हमारा फुटर। इसी में फुटर में अब आपको फुटर में क्या लिखना है, जैसे हमारा डाटा हो गया, और अगर आपको नेक्स्ट पेज आपको जाना है तो नेक्स्ट पेज लिख देंगे या एंड लिख देंगे, एंड डॉक्यूमेंट, एंड डॉक्यूमेंट। ये देखिए हेडर फुटर में हम यहां पे जो भी आपको राइट करना हो वो आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का यूज हम कहां पर करते हैं, यहां पे हमने क्लिक किया, वर्ड आर्ट पर टिक कर दिया। अगर आपको यहां पर डिजाइनिंग टेक्स्ट लिखना है, यानी डिजाइनिंग वर्ड लिखना है, तो वहां पर हम वर्ड आर्ट का यूज करते हैं। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। जूम करने बाद हम यहां टेक्स्ट आर्ट पर टिक करते हैं। देखिए जैसे हमने वर्ड आर्ट पर यहां पर टिक किया है, ये देखिए हमारा वर्ड आर्ट यहाँ पे आया है। अब इसको जो भी लिखा होगा यहाँ पे जब इंसर्ट पे जाएंगे, वर्ड आर्ट पर हमने टिक कर दिया है, या तो एक नई सीट लेके हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं जैसे ये आया, थोड़ा सा हम जूम कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जाने के बाद वर्ड आर्ट पर टिक कर दिया। अब यहाँ पे वर्ड आ गया, हम जो भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हो। जैसे हमने डाल दिया SBIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, SBIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट,
ये देखिए, TUTE इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट की। अब देखिए SBIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिख दिया हमने यहाँ पे। अब लिखने बाद इसमें क्या हो, अगर आपको इसमें थोड़ा सा कलरफुल बनाना हो बैकग्राउंड, तो हम यहाँ कलर कर सकते हैं। देखिए कलर कर दिया। सेफ में आपको इफेक्ट डालना है तो हम इफेक्ट डाल सकते हैं। ये देखिए इफेक्ट हो गया। आउटलाइन अगर आपको कलर चेंज करना है तो आउटलाइन का कलर हम चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद फिल कलर आपको इसको चेंज करना है तो हम ये देखिए चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सिग्नेचर लाइन। जैसे आपने आपको बताया था MS Word में सिग्नेचर लाइन या डिजिटल सिग्नेचर सेम हो, आप क्या करेंगे सबसे पहले MS Paint ओपन करके वहां पे एक साइन कर लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, सिग्नेचर लाइन पे जाएंगे और यहाँ पे नाम डाल देंगे, जैसे हमने डाल दिया SBIT और हमने कर दिया ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, साइन पे क्लिक करेंगे, यस और सेव कर देंगे, यस। और यहाँ आ जाएगा ब्राउज का ऑप्शन, यानी सेलेक्ट ऑप्शन आ गया, सेलेक्ट इमेज। अब आपने जहां पे MS Paint में सेव किया होगा उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अब इसे हमने यहाँ पे सेव किया होगा, यहाँ पे जाते हैं हम डॉक्यूमेंट्स में। अब यहां देखिए, अभी यहां पे हमने कोई भी सेव हमारा डाटा नहीं है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, पेंट ओपन कर लेंगे। पेंट ओपन करने के बाद यहां पे हम क्या करेंगे, एक साइन कर लेंगे, पेंट पे एक साइन कर लेंगे। और साइन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। जैसे हम यहां से पेंसिल ले लिए, पेंसिल लेने के लिए यहां पे हमने अपना साइन कर दिया, जैसे हमने SBIT लिख दिया। SBIT अब यहां पर हमने क्या कर दिया, कंट्रोल यस कर दिया। कंट्रोल यस करने के बाद क्या कर दिया, हमने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया DF नाम से, और यहां से हमने इसको कट कर दिया। अब यहां पर हम जाते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद लास्ट में सबसे जाएंगे, देखिए DF नाम से हमारा सेव है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, साइन पर टिक कर दिया और ओके कर दिया। ये देखिए हमारा SBIT आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेन पे एक साइन करके सेव कर देंगे, उसके बाद सिग्नेचर लाइन पे जाएंगे, उसको हम यहाँ पे ले आएंगे और ये डिजिटल सिग्नेचर हमारा हो गया। अब वैलिड सिग्नेचर आपको दिखा रहा 13/9/23 आज की डेट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे आपने MS Word MS Excel में काम किया कि अगर जैसे हमारी फाइल कोई है, जैसे हमने MS Excel ओपन कर रखा है, अगर यहाँ पे आपको MS Excel में आपको MS Word ओपन करना हो, या आपको Notepad Word Pad ओपन करना हो, या अदर कोई भी फाइल ओपन करना हो, तो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब आप ओपन क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, जैसे हमें ओपन करना है पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन या स्लाइड, स्लाइड ओपन करते हैं और ओके करेंगे, स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। यानी जो भी आपके सिस्टम में प्रोग्राम अदर हैं उनमें से कोई भी प्रोग्राम आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। देखिए हमारी पावर पॉइंट की एक स्लाइड यहाँ पे आ गई। कंट्रोल जेड से हम वापस जाते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका सिंबल। अब सिंबल में देखिए क्या है, आप यहां से मैथमेटिकल सिंबल या अदर प्रकार के कोई भी सिंबल अगर आपको लगाना है डॉक्यूमेंट में तो लगा सकते हैं। देखिए नॉर्मल टेक्स्ट आ गया आपका। नेक्स्ट अगर यहां से आप सिंबल चेंज, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहां से आप सिंबल चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसा भी सिंबल लाना हो आप लगा सकते हैं, जो भी सिंबल लाना हो उस पर क्लिक करने बाद इंसर्ट कर देंगे, वो सिंबल आपके सेल में आ जाएगा। ऐसे करके हम इंसर्ट रिबन का यूज कर सकते हैं। ये देखिए हमने आपको इंसर्ट टैब में सारे रिबन के ग्रुप के बारे में 1 by 1 बता दिया। ये बहुत इजी ऑप्शन सारे हैं, क्योंकि आपने इनको एक बार आपने MS Word में कर चुके हैं। तो ये वीडियो कैसे लगी आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू।